Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum nazreen, main hoon Sayyed Talha aur aap dekh rahe hain Alaskar Dopan. Aur aaj hamare saath hain, main is waqt Delhi aaya hua hoon, hamare saath SIU ke general secretary janab Azhar saab hain, jo filhal desh mein halaat chal rahe hain NRC, CA, NPR ko leke har jagah taqreeban har chote se bade shehar mein alag alag tarike se protest kiye ja rahe hain. जनाब अजहर साहब जब एनआरसी का मुद्दा सिर्फ आसाम में हुआ था तब से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि आसाम में किस तरीके के हालात पेश आए और एनआरसी की वजह से वहाँ की इकोनॉमी का क्या सिचुएशन चल रही है फिलहाल और एनआरसी का प्रोटेस्ट हमें क्यों करना चाहिए. सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे चैनल अलस्कार में और सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्यों हमें एनआरसी का बायकॉट करना चाहिए. एनआरसी को बायकॉट करने से पहले हमको एनआरसी जो हुआ है आसाम में जो हुआ है उसका एक पस मंजर है, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है आसाम से, आसाम और बांग्लादेश का बॉर्डरिंग स्टेट है और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में उस वक्त बहुत सारे लोग आसाम के उधर से उधर इधर माइग्रेट हो गए थे और वहाँ के लोग इधर आ गए थे, तो इस तरीके से वो तो उस वक्त का मसला था. उन चीज़ों को बेस बनाते हुए वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है, उस पर ही अच्छा खासा वक्त लगेगा उस पर अगर हम डिस्कस करें. आसाम में जो एनआरसी हुई है वो बंगाली बांग्लादेशी की वजह से एनआरसी हुई है कि बांग्लादेशी जो आए हुए हैं उन्हें निकाल दिया? नहीं नहीं, वो एक्चुअल वैसा नहीं है. उसके पीछे जो असल हकीकत है वो ये है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट करके वो हमेशा से एक मसला वहां पर रहा है. अच्छा. तो उनको जो टैग लगा है बिलखसूस मुसलमानों को या फिर बंगाली हिंदूज को, उनको बार बार बांग्लादेशी कहना या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स कहना, ये वो लोग के लिए बहुत बड़ा मसला था. तो उस वक्त 1971 में जब बांग्लादेश बना है तो उसको बेस बनाकर, मतलब 71 में जो लोग इधर आ गए वो इंडियंस रहेंगे, उस वक्त के उनको डॉक्यूमेंट्स बनाना है. तो वो जो मुसलसिल वहां पर मूवमेंट चला, फिर आसाम अकॉर्ड साइन हुआ है. आसाम अकॉर्ड में दो चीजें तय हुई थी, जो पहली चीज थी वहां पर एनआरसी कराना है और वहां के पूरे लोगों की नागरिकता को जांच करना है. तो ये आसाम अकॉर्ड का एक डिसीशन था, उसकी बेसिस पे वो शुरू हुआ था लेकिन किसी वजह से रुक गया या फिर कांग्रेस की हुकूमत उस वक्त में जब थी तो कंप्लीट नहीं कर पाए. तो 2015 में जब बीजेपी ने हुकूमत बनाया है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी का प्रोसीजर शुरू हुआ. फिर हम लोग जब उसको जानने की कोशिश किए, वहां ग्राउंड पे गए हैं, एसआईओ की पूरी टीम वहां पर गए, हम फैक्ट फाइंड किए, वहां पर डॉक्यूमेंट्री बनाए. तो 2017 से हमारा काम वहां पर शुरू हुआ. 2018 में जब हमने इसको दिल्ली में लाकर वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को रिलीज की, जब लोगों ने उस पर डिस्कस करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को जब उसका, और भी लोगों को मालूम था उससे पहले भी, लेकिन इससे एक अवेयरनेस आया है बिलखसूस तलबा और नौजवानों में, बिलखसूस कैंपसेस के लोगों में. फिर वहीं से 2018 में जब 40 लाख लोगों का नाम मिस हुआ था जब पहली एनआरसी आई थी, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सबको मालूम चला के ये एनआरसी का मुद्दा है और वहां के लोगों की नागरिकता वहां पर खतरे में है, इस तरीके से जो चीज बाहर आई है. तो जैसे आसाम में एनआरसी भी वैसे ही पूरे देश में होने वाली है. हाँ, जो कि पूरे देश का मुद्दा तो बंगालियों का नहीं है. जी, तो आसाम एनआरसी का जब मुद्दा आसाम से शुरू हुआ तो वहां पर इनका, हमको लगता है कि इनका ये एजेंडा था गवर्नमेंट का या फिर आरएसएस का बोलिए, कि वहां के मुसलमानों को साइडलाइन करना है. चूंकि आसाम एक ऐसा स्टेट है कश्मीर के बाद जो सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं है तो वो आसाम है, तो वहां के मुसलमानों को साइडलाइन करना, उनकी सिटीजनशिप को ऐसे उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाना, इस तरीके से वो हुआ है. लेकिन जब पहली मर्तबा 40 लाख लोगों का नाम मिस हुआ, जो दूसरी एनआरसी लिस्ट आई उसमें 19 लाख लोगों का नाम मिस हुआ है दोबारा जब दूसरी लिस्ट आई थी, तो उस वक्त इनका ये, जब लोगों ने एनालिसिस किया, रिपोर्ट आई है, उससे ये पता चलता है, ये जो रिपोर्ट न्यूज रिपोर्ट और इसके हवाले से, कि वहां पर तकरीबन 13 से 15 लाख लोग, 19 लाख में 13 से 15 लाख लोग गैर मुस्लिम हैं.
उनका जो एजेंडा मुसलमानों को साइडलाइन करना था, लेकिन हुआ यह कि नॉन मुस्लिम्स वहां पर उनके नाम मिस हुए हैं। तो अब वहां पर बीजेपी खुद उसको क्रिटिसाइज करना शुरू की, बीजेपी का कैडर ही वहां पर क्रिटिसाइज करना शुरू किया। फिर उसके बाद ही सीएए लेता है। हाँ, इसके डिस्कशन में उन्होंने कहा कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएंगे और आप सबको नागरिकता इसके जरिए से दी जाएगी और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। मुसलमानों को नहीं दी जाएगी जो अभी अमेंडमेंट एक्ट जो बना है उसमें जो मेंशन है। तो ये एक्चुअल मुद्दा है। जब हम एनआरसी को अगर पूरा प्रोसेस देखेंगे, अगर सिर्फ आसाम में हुआ है तो आसाम में कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। ठीक, हुकूमत का नुकसान किस तरीके से हुआ? जो जितना रिसोर्सेस था उसके ऊपर वो मीडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से 1600 से 1700 करोड़ रुपए का जो लगा है वहां पर, पैसा लगा है। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वहां पर, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 80 से ज्यादा शायद होंगे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए सिर्फ फॉरेनर्स जिसको डी वोटर डिक्लेयर किया गया है उनको चेक करने के लिए, उनकी नागरिकता चेक करने, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। बहुत सारे आपको एम्प्लॉयज देना पड़ा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज में वहां की अच्छी खासी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है। अभी देखिए किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत किया होगा। बिल्कुल, तो वहां पर 3-3.5 करोड़ लोग है, पूरे लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ऑफिस जाना है, लोकल मंडल ऑफिस जाना है या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाना है या लैंडलॉर्ड के पास जाना है, उनके पास जाकर डॉक्यूमेंट्स लाना है। ये पूरे मसाइल है। एक आदमी एक उसको लाने के लिए बहुत सारा खर्च पैसा खर्च करके लाता है, किसी वजह से उसका नाम डाउटफुल वोटर में आ गया। तो हमने जब वहां पे ग्राउंड पे गए हैं, वहां पर लोगों को देखने की कोशिश की, तो कुछ विक्टिम्स जो डाउटफुल वोटर करार दिए गए, तो उन लोगों का कहना ये था, वो कहते हैं कि हमको हमारा केस लड़ने के लिए हमको लॉयर को 30,000 रुपए देना पड़ता है और वहां के लोग है बहुत गरीब। आसाम में अक्सर लोग गुर्बत में है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी वहां पर बहुत गरीब है। तो अब वो 30,000 रुपए कहां से लाएंगे? अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए 30,000 उनको एक लॉयर को देना है। वो जरूरी नहीं है कि वो उनका केस वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो भी मालूम नहीं है। अब वो 30,000 के लिए कुछ लोग अपनी जमीन बेच दिए, कुछ लोग अपना ऑटो बेच दिए, कुछ लोग अपने सोना वगैरह अगर किसी के पास है तो वो बेच दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का तो नुकसान हुआ, ऑल ओवर वहां की इकोनॉमी में फर्क पड़ा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि 4,000 का स्टाफ लगा है, 16-17,000 करोड़ रुपया खर्च लगा है, 5 साल का समय लगा है। समय तो लगा है, पैसा भी लगा है, ये पूरे लॉयर्स पूरे उसी में बिजी हो गए हैं। दूसरे केसेस तो बहुत कम ही वहां के डिस्कशन में थे उसमें जो। और परसों तरसों ये रिपोर्ट आई कि वहां का जो एनआरसी का जो डेटा था उसे लॉक कर दिया गया। लॉक कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया तो इस तरीके से रिपोर्ट किया है कि डाटा ही मिस हो गया है। अच्छा, डाटा ही। आप 1600-1700 करोड़ रुपए लगाए हैं, उसके बाद डाटा सेव नहीं कर पाए हैं। और आपका कोई एक रफाइल डील वाला केस चलता है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए 1971 की नागरिकता साबित करने के लिए। वो तो आसाम के लोग कैसे वो प्रूफ कर पाएंगे? वहां का एक और मसला ये भी है, एक तो लोग गरीब है उसकी वजह से वो इलिटरेट भी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक मसला वहां पर जो अपने नागरिकता बताने के लिए उनके पास जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर लैंड का भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि लैंडस्लाइड का मसला है, फ्लड आता है बार बार। हाँ, तो लोग हमेशा गांव गांव खाली करते हैं। जब फ्लड आएगा लोग बाहर निकलेंगे तो अपने बच्चों की जान बचाएंगे, अपनी जान बचाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन ढूंढेगा फ्लड के मौके पर? इस फ्लड की वजह से भी बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स भी मिस होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसाइल। आसाम का मसला जी, और आसाम के बाद अब अमित शाह जी ने कहा था कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे 2024 से पहले पहले। तो देश भर में एनआरसी लागू होगी तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है जी। तो किस तरीके से लागू होगी? जाहिर सी बात है आसाम के तरीके पर तो होगी नहीं जी, वो किसी भी तरीके से हो या उसकी क्लैरिटी क्या होनी चाहिए अभी तक हुकूमत से है नहीं। अभी हुकूमत ने एक स्टेप पीछे आकर कहा है कि हम एनआरसी पर कोई बात नहीं किए हैं ऑफिशियली। पहले तो कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में खुद कहा था कि एनआरसी कराएंगे, अभी कह रहे हैं कि हम एनआरसी पर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जो एनपीआर की ये लोग बात कर रहे हैं, एनपीआर में तो वही है। एनपीआर का अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, गेजेट नोटिफिकेशन, उसमें यही है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरआईसी, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ इंडियन सिटीजन। अब आप जो है लोगों का डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे,
आप मेरा बेटा ऊपर ये कह रहे हैं कि एनपीआर जो है वो जनगणना है जो हर 10 साल में होती थी, पिछले 10 साल में भी हुई थी, लेकिन एनपीआर से क्या दिक्कत है? एनपीआर तो जनगणना है। देखिए एनपीआर अलग है, सेंसस अलग है। जो पिछली बार जो सेंसस हुआ था वो रेसिडेंस की बुनियाद पे हुआ था। अभी इस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग का नाम लिखेंगे वो चले जाएंगे, ये बिल्डिंग में 20 लोग हैं। लेकिन अभी जो पूछ रहे हैं वो इंडिविजुअल का, 20 लोग का नाम दीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पूछेंगे। अगर अभी वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो ऑप्शनल है, अगर वो पूछते भी है तो प्रॉब्लम ही है। जब वो पूछेंगे, मुझे पूछेंगे आपका डॉक्यूमेंट है, मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं बताऊंगा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मेरे पेरेंट्स का अगर पूछेंगे, मेरे वालिद का पूछेंगे, वालदा का पूछेंगे, वो है नहीं अभी उनका। उस वक्त में अगर वो 10th भी पढ़े हैं तो वो 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही फाइनल था, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लाएंगे? जो आज उनकी उम्र 55-60 की होगी, उनका डेट ऑफ बर्थ लाना बहुत मुश्किल है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे ला पाएंगे? तो एनपीआर अलग है, सेंसस अलग है। सेंसस अलग है, सेंसस तो रेसिडेंस की बुनियाद पर होता है। एनपीआर जो पूरा प्रोसेस है ये इंडिविजुअल के डाटा के ऊपर है। ये भी कुछ लोगों ने अभी पिटीशन फाइल किया है तो ये यही कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल्स का प्राइवेसी ऑफ डाटा के खिलाफ में है। मेरी प्राइवेसी है, मेरा डाटा मैं कैसे दूंगा लोगों को? तो इस तरीके से ये भी एक जो है नुकसानदार है। जब लोग कैसे ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लाएंगे? अगर आप बोलेंगे कि ये पूरे लोग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, आपको मालूम होगा जो पासपोर्ट अप्लाई करता है उनके लिए 88 से पहले अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 88 या उससे पहले, उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाता पासपोर्ट बनाने के लिए। जो 89 में पैदा हुए हैं या उसके बाद है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? इसलिए कि 89 से पहले गवर्नमेंट के पास भी डाटा नहीं है कि कौन कहाँ पैदा हुआ है, कैसे है, तो उनके पास ही जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो इंडिविजुअल्स के पास कैसा रहेगा? तो ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब सेंसर्स में ऐसा होता है कि सेंसर्स का डाटा किसी भी चीज के लिए यूज नहीं होता। जी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सेंसर्स लेके गए कि इसके घर में 20 लोग हैं और 20 लोगों में से 5, मान लो एक इलाके में 5 लोग ऐसे हैं, 5-10 जिनमें नाबालिग शादियां होंगी, तो वो सेंसर्स का जो डाटा है उसको किसी चीज में यूज नहीं किया जाएगा। तो सेंसर आप कह रहे हैं एनपीआर चूंकि अलग है तो एनपीआर का डाटा यूज किया जा सकता है किसी कर सकते हैं, हो सकता है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है। अगर ये बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे, अभी आप आधार के ऊपर भी देखिए कितना बहस हुई थी, आधार के मामले में भी यही हुआ था कि लोग कहेंगे ये प्राइवेसी ऑफ डाटा के खिलाफ है, लेकिन ले दे के उसको पास किया गया इनडायरेक्ट तरीके से। अभी हर बैंक में इसको कंपलसरी कर दिया गया है, मोबाइल के लिए कंपलसरी कर दिया गया। जब इन चीजों को कंपलसरी करेंगे तो लोग जो है इस तरीके से करेंगे, तो ये नेगेटिव चीजें हैं जिसके जरिए से बहुत सारा नुकसान पहुंच सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा है एनपीआर में किस तरीके से वो नाबालिग लड़कियों की शादी होती है वो यूज नहीं कर पाते हैं, ये तमाम इश्यूज आसाम में भी थे। अच्छा, क्योंकि गांव के लोग है, किसी की शादी 17 साल में हो गई मान लीजिए, लेकिन वो जब शादी होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट में तो कम से कम 18 साल लिखाते हैं। हाँ। ये नॉन मुस्लिम्स के डॉक्यूमेंट्स ने हमने देखे, नॉन मुस्लिम फैमिलीज में हुआ है, 16-17 साल में शादी हुई है लेकिन उनके मैरिज सर्टिफिकेट में 18 साल लिखा हुआ है। तो जब उनकी सर्टिफिकेट देखी जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट देखेंगे 5 साल के बाद, तो वो 18 साल प्लस 5 23 साल लगेगा, लेकिन एक्चुअल देखेंगे तो 22 साल हो गए। तो इसमें दोनों के अलग अलग डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूस किए गए, तो इसकी बेसिस पे उनको डाउटफुल वोटर करार दिया गया। अच्छा, तो इस तरीके के अब पूरे हिंदुस्तान में हो सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अभी ये मुसलमानों का इशू, चूंकि वो बिल में लिखा गया मुसलमानों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है, लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों का इशू है। यानी सीएए में ये कहा गया है कि नागरिकता दी जाएगी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, पाकिस्तान ने शियाओं का नाम नहीं है और तमिल हिंदुओं का नाम नहीं। तो इससे लोग ये समझते हैं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ। बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में आप देखिए, जब इसको आप देखेंगे, आप एनआरसी को देखते हैं या फिर एनपीआर को देखते हैं, एनपीआर का डाटा एनआरसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल, एनआरसी के लिए तो पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ के लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है, आदिवासी कहां से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर जो जंगलात में रहने वाले लोग हैं जिसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है, लैंड एक्ट के तहत
उनको चूंकि वो वहां पर 1000 साल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनको वो लैंड दे दी गई है। अभी वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया जाएगा या डाउटफुल वोटर करार दिया जाएगा, तब उनके ये पूरी लैंड जब्त कर ली जा सकती है। जब वो लैंड जब्त कर लेंगे तो फिर से उनको सिटीजनशिप देंगे भी तो इनका जो एक्चुअल वो था लैंड था इनका वो चला जाएगा, वो हुकूमत के हाथ में जाएगा। मान लीजिए कोई दलित है या एस सी एस टी है, रिजर्वेशन की बुनियाद पर उनको गवर्नमेंट जॉब आई है, किसी वजह से वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उनको भी अगर डाउटफुल करार दिया गया है तो जब उनको डाउटफुल करार दिया जाएगा तो उनका वो तो सिटीजन नहीं है अभी, उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया जाएगा। सीए के तहत उनको अगर सिटीजनशिप दी भी जाती है तो वो एक नए सिटीजन के तौर पर आएंगे, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, इनका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है एज ए एस सी एस टी की हैसियत से, उनको जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई सब छीन गई है, वो सब छीन ली जाएगी, तो एक नया सिटीजन उनको बनाया जाएगा। अच्छा, तो एनआरसी में ऐसा होगा जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों का नाम आया, बिल्कुल ठीक है, नॉन मुस्लिम को सीए के जरिए नागरिकता मिल जाएगी, बट कितने दिनों के बाद मिलेगी क्या वो क्लैरिटी भी अभी तक नहीं है, उसका भी कोई सिस्टम हुकूमत के बाद अभी तक क्लैरिटी नहीं है। एनआरसी की बात जिस तरीके से अभी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में था, लेकिन हुकूमत ने कभी भी इसको डिस्कस नहीं किया है, उनके मैनिफेस्टो में है तो उसका कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट उनके पास होगा, बिल्कुल होगा, कुछ तो उनके पास प्लान होगा, उसी के तहत वो लोग अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, तो वो आज नहीं तो कल कैसे भी कराएंगे। आप देखिए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यानी वो कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में था लेकिन उनके मैनिफेस्टो में था लेकिन कभी इस चीज पे डिस्कस नहीं हुआ। अगर डिस्कस नहीं की तो ऐसे कैसे मैनिफेस्टो में डाल सकते हो बगैर ब्लू प्रिंट के। अब वो तो उनका कहना है, आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के वक्त क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, 50 दिन मुझे दीजिए उसके बाद आप जो चाहे वो कर लीजिए। पूरा जो डिस्कशन रहा उसमें यही था कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे, कितना ब्लैक मनी आया है आप आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट देखिए, कोई ब्लैक मनी बाहर से नहीं आया है, कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है। अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो फॉर्म है उनके बड़े बड़े जिम्मेदार कह रहे हैं कि अभी कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी डाउन हुई है। ये मेरी आपकी या कोई दीगर और नेता की जो अपोजिशन में है उनकी बात नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड के जो बड़े बड़े टॉप इकोनॉमिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से यहाँ की इकोनॉमी डाउन हुई है। जब सिर्फ आप एक स्टेट की एनआरसी कराने के लिए इतनी मुसीबत वहां पर हुई है, आप देखिए वहां पर एक सिनेरियो था, उस सिनेरियो की बेसिस पे उन्होंने वहां पर एनआरसी कराया है, जो भी तरीके से उन्होंने वहां पे कराया है वो सही था गलत था वो अलग बहस है, लेकिन मसला तो उसमें भी रहा है। आप पूरे इंडिया में कैसे करेंगे? अब मान लीजिए मैं मिसाल देता हूं आपको हैदराबाद दक्कन की, हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान में कब मिला है? आजादी 1947 में जब हमको आजादी मिली है, 1948 में हैदराबाद दक्कन इंडिया में आकर मिला है। अच्छा, तो उससे पहले तो वो इंडिया का हिस्सा नहीं था, नहीं। वो तो निजाम की हुकूमत वहां पर 48 में आकर इंडिया में दाखिल हुए हैं, तो कौन सी बेसिस पे हैदराबाद दक्कन के लोग अपनी नागरिकता प्रोड्यूस करेंगे? ये तो वहां से आकर यहाँ ज्वाइन हो गए, तो इंडिया में ज्वाइन किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स है जो बाद में ट्रीटीज करके जो है हिंदुस्तान से जुड़े हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ और स्टेट्स को भी देखिए, इसी तरीके से कोई 49 में जुड़ा है, कोई 48 में जुड़ा है, तो ये बाद में आकर हिंदुस्तान से जुड़े हैं, तो कौन सी बेसिस पे आप करेंगे? कोई उसका इनके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो इस तरीके के अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूछते भी है, अभी आप देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया के कई सारे ममालिक में उनका आईडी प्रूफ होता है, उनकी फलां होती है, फलां तमाम चीजें होती है, तो वो चीजें आज हमारे पास भी है, हमारे पास आधार भी है, पासपोर्ट भी है, वोटर आईडी भी है, या ड्राइविंग लाइसेंस है। पासपोर्ट जीवन में एक मीम चल रहा है आजकल के, पासपोर्ट इंडिया के लिए नागरिकता का प्रूफ नहीं लेकिन आउट ऑफ इंडिया के लिए नागरिकता का प्रूफ है। तो आप वही देखिए ना, ये मजाक जिस तरीके से लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि इनके जो बयान आ रहे हैं, जो जिम्मेदारान है हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं, ऐसे लोगों के इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आएंगे तो लोग ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे। आप जब डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं
तो उससे पहले आपको भी कुछ प्रोवाइड करना है। आप जब कहते हैं कि फलाने मुल्क में इस तरीके का सिस्टम है हमारे पास भी होना चाहिए, फलाने मुल्क में ऐसा है हमारे पास भी होना चाहिए, तो फलाने मुल्क में फलाने फलाने मुल्क की जो मिसाल वो लेते हैं वहां पर क्या सहूलत मिलती है लोगों को, वो भी आप प्रोवाइड करना है। आप देखिए जो जितने कंट्रीज की ये मिसाल देकर कहते हैं कि वहां पर इस तरीके का आईडी प्रूफ है, ये तमाम चीजें वहां पर है, तो वहां की जैसी फैसिलिटीज आप भी प्रोवाइड करिए। अब हाल ही में हमको वहां के लोगों से बात करने का मौका मिला कुवैत के खतर के, वो कार में बैठ के, चलती हुई कार में बैठ के चाय पीते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां की रोड इतनी अच्छी है तो उसके हिसाब से उनको ट्रैफिक रूल्स है, उसी के हिसाब से उनको फाइन डाला जाता है। अगर आप वही तरीके का सिस्टम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो कितना पॉसिबल है, वो आप सिग्नल तोड़ेंगे तो हम 10,000 रुपया फाइन डालेंगे, तो 10,000 आप फाइन डालिए, लेकिन आप पहले वैसी सड़क बनाइए, वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए। आप डॉक्यूमेंट्स पूछना चाहते हैं तो पहले पूरी इंडिया की पूरी जितनी पॉपुलेशन है उनको एजुकेशन दीजिए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए, उनको एजुकेट बनाइए। जब वो करेंगे तो बाई डिफॉल्ट उनके सबके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स नहीं होने का मसला नहीं है, जिसके पास किसी वजह से नहीं होंगे उनका नुकसान होगा, उसमें बिलखसूस नुकसान होगा आदिवासियों का, दलितों का, जो अनएजुकेटेड है उन लोगों का, मुसलमानों में भी जो इलिटरेट है उन लोगों का मसला होगा, ये लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये मसाइल की वजह से ये पूरा जो प्रोसीजर है इनका, CAA हो या NRC हो या NPR हो, ये तमाम चीजों में यही मसाइल है। इसी की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने समझा है इसको, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ते हैं जैसे भी चीजें आती है उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वो पहले अच्छे तरीके से समझ गए। वो तो और चल ही रहा है सब जगह। आपकी जो SIU की टीम है इस चीज को लेकर वो क्या काम कर रही है फिलहाल? अभी देखिए हम तो पहले ही दिन से इस मूवमेंट के साथ है, यानी जब NRC आसाम में हुआ था तब से आप इस चीज पे एनालिसिस कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी चीज सही हो रही है, कौन सी चीज गलत हो रही है। फिर जब ये मुद्दा आया है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो SIU की टीम का फिलहाल क्या? हम लोग उस वक्त जब डॉक्यूमेंट्री बनाए थे हमने कोशिश की है कि इसके जरिए से लोगों में अवेयरनेस आए। आसाम में कुछ मसला होता है वो हिंदुस्तान का मसला है, बिल्कुल, तेलंगाना में कुछ होगा तो वो हमारा मसला होगा, यूपी में कुछ होगा तो वो पूरे हिंदुस्तानियों का मसला होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहां का जो इशू है ये तमाम लोगों को मालूम होना है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डॉक्यूमेंट्री को हमने कोशिश की है कि अवेयरनेस के जरिए से लोग इस पे डिस्कस करें, चर्चा करें। 2018 में जब हमने इसको रिलीज किया है बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पर डिस्कशन करना शुरू किया, कई टीम्स वहां पर गई हैं, फैक्ट फाइंड की है, उसके बाद चीजें मीडिया में धीरे धीरे आना शुरू हुई है। जब 40 लाख लोगों का नाम इस हुआ है तब पूरे लोग इस पर बात करना शुरू किए हैं। तब तक भी लोगों का कहना यही था कि ये आसाम का मसला है, जिस तरीके से लोगों का कहना था कि कोई इशू है तो वो कश्मीर का इशू है, उसको छोड़ दीजिए, वो वहां का मसला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा और 2-3 मुद्दे जो बड़े बड़े मुद्दे थे जिन पे राजनीति की जा रही थी और की थी जा मतलब कर रहे थे लोग पॉलिटिशियंस, तो अब एक ये नया मुद्दा निकाल के लाए जिस पे राजनीति कर सकते हैं? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं उसको, क्योंकि ये मुद्दा अगर पूरे देश में NRC होगी तो ये समझिए देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी फिलहाल 4.21 पे चल रही है और डाउन हो जाएगी। इकोनॉमी का मसला तो है भी, दूसरे लोगों को आप कंस्ट्रक्टिव काम के बजाय सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में उनको मजबूर कर देंगे, आप लोग जो है इसी में मसरूफ हो जाएंगे, दूसरे और चीजों पे बात नहीं करेंगे। 2014 में जब इनकी हुकूमत बनी थी उनका सीधा सीधा टारगेट था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, उस वक्त ये यही कर रहे थे कि एजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज में उलझा के रखें और वो उसमें मसरूफ हो जाएंगे, ये अपने एजेंडा लाते जाएंगे। धीरे धीरे उसी तरीके से इन लोगों ने काम किया। आप रोहित वेमुला का मूवमेंट देखिए या फिर नजीब मिसिंग के बाद जो JNU से मूवमेंट चला है उसको देखिए, जितने भी इस तरीके के इश्यूज हुए हैं एक बड़ा अपोजिशन स्टूडेंट कम्युनिटी ने अपना रोल अदा किया है। तो उसी हैसियत से हर दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के इश्यूज लाना और लोगों को बिजी कर देना, ये इनका एजेंडा है। अभी आप देखेंगे ये NRC का मूवमेंट जब से शुरू हुआ है CAA NRC पर, तो इसमें आप कंप्लीटली देखिए, अभी 3-4 दिन पहले शायद 4 बड़े बड़े शहरों में 140 से ज्यादा रुपये
गैस सिलेंडर पे बढ़ गए हैं, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पूरे लोग इसमें मसरूफ है। सडनली 150 रुपया अगर रेट बढ़ जाएगा तो कैसे लोग उसको सस्टेन कर पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाला मुद्दा है। आप देखिए जो हम मोबाइल में नहीं, जो देश की हालत हो रही है, जो इकोनॉमी डाउन जा रही है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए ये लोग इस मुद्दे पर इतनी चर्चा करवा रहे हैं। आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं, बचने के लिए बोलिए या किसी और मुद्दे पे बोलिए, किसी और इंटेंशन से, कुछ भी हो, लेकिन उनका एक खास एजेंडा है हिंदुस्तान को लेकर या फिर हिंदू राष्ट्र इसको बनाने को लेकर। वो तो ओपनली कहते हैं हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है। उनका जब ये कंप्लीट एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत हर कुछ दिन में एक एक नई नई चीज ला रहे हैं। आप देखिए अगर NRC का किसी वजह से, चूंकि लोग अभी इस पर अड़े हुए हैं, लोग इस पर जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट अपना इस्तेमाल करते हुए जिद्दोजहद कर रहे हैं, किसी वजह से ये मूवमेंट आगे बढ़ता है या हुकूमत किसी वजह से इस पे बैक स्टेप लेगी। अभी तो बहुत सारे इश्यूज में उन्होंने NRC नहीं कराने की बात कही है, NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए इस तरीके से कहें, बहुत सारे लेवल पे इन्होंने पीछे आए हैं। हम समझते हैं कि इसी तरीके से वो पूरा रोल बैक तक ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बात को हमें जरूर दिमाग में रखना है, यहीं पर ये खत्म नहीं होंगे। इनके पाइपलाइन में और भी इस तरीके की चीजें हो सकती है जिसके जरिए से यहाँ के जो डिफरेंट कम्युनिटीज है उनको नुकसान पहुंच सकता है। यानी ये लोग कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस आइडियोलॉजी में हिंदुस्तान वासियों के पास, हिंदुस्तानियों के पास एक अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है, वो उसी को लेकर अभी हो सकता ये डिस्कशन में था कि ये एंटी कन्वर्शन बिल लाएंगे तो यहाँ पे जो रिलीजन की आजादी है वो खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते ही लोग समझते हैं कि मुसलमानों का मसला है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है मसला, बहुत सारे जो छोटे छोटे कम्युनिटीज है जो माइनॉरिटीज में आते हैं उन सबका मसला होगा। आप OBC में देखिए जिस तरीके से ये हिंदू 80% है, इस तरीके से कहते हैं हिंदू 80% नहीं, कई दलित ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि दलित हिंदू नहीं। OBC में भी जब लोग आते हैं तो OBC में कितने कैटेगरीज है, ABCD, फिर हर उसमें अलग अलग कैटेगरीज रहेंगे, इतने वास्ट इनके पास डिविजन है, वास्ट इतने छोटे छोटे कम्युनिटीज है, ये तमाम कम्युनिटीज ही हमारा एक डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी का एक ब्यूटीफुल एक गुलदस्ता है हमारा। इसको ये खत्म करके कॉमन चीज लाने की बात करते हैं, ये वन नेशन वन लैंग्वेज की जो बात इन्होंने की है वो इसी चीज को है कि डिफरेंट चीजों को खत्म करके एक चीज की तरफ ये लाने की कोशिश करते हैं, और वो है हिंदू राष्ट्र। वो हो सकता है हिंदू राष्ट्र, वो होने की उसी के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए UCC जब आएगा तो यहाँ के जो डिफरेंट कम्युनिटीज है उनको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। UCC का यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब ये लाएंगे या फिर लाने की जिस बात कर रहे हैं, तो इसके जरिए से लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, मुसलमानों का नहीं है, क्रिश्चियंस का भी मसला है, उनके अपने रिचुअल्स है, सिख कम्युनिटी का मसला है, उनके अपने रिचुअल्स है, उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटी। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, हमको चूंकि हिंदुस्तान में जो बिलखसूस इधर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र तेलंगाना इस तरफ जो हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग बहुत कम हमारी रीच है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, वहां पर हर छोटे छोटे मुकाम पर एक एक कम्युनिटी बसती है, सबकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज है, वो वहां के इंडिजीनियस लोग है, उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं है। अभी जितने भी जैसे मैंने कहा है कि हैदराबाद आकर बाद में जुड़ा है, उसी तरह मणिपुर ऐसे ही जुड़ा है, कुछ और भी स्टेट्स ऐसे ही जुड़े हैं, तो वो जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ बायलैटरल चीजों से MOU करा के ही जुड़े हैं कि हम ये चीजों के साथ हिंदुस्तान से जुड़ेंगे, तो यहाँ हमारा मसला नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो कम्युनिटीज है उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जो OBC में जो छोटे छोटे कम्युनिटीज है उनका नुकसान होगा, आदिवासी लोग हैं उनका नुकसान होगा, SC ST में भी बहुत सारे कैटेगरीज है उनका नुकसान होगा, सिख कम्युनिटी एक माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैन कम्युनिटी है, इन सबको नुकसान, सबके अलग अलग रिचुअल्स है। तो ये तो पता चल गया मतलब इनकी आइडियोलॉजी का ये एक सिक्का है, और भी चीजें आ सकती हैं, बट हमें अवेयर रहना होगा कौन सी चीजें हमारे संविधान के खिलाफ है और कौन सी चीजें हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है।
असल मुद्दा यही है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, अगर ये रिलीजन की बेसिस पर अमेंडमेंट हो गया है, अगर इसके खिलाफ में हम विरोध नहीं करेंगे तो इसको बेस बनाकर बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स ये ला सकते हैं जिसके जरिए से दीगर और कम्युनिटीज को मसला होगा। ठीक है, और आज संविधान के भी खिलाफ होंगे, ये तो संविधान के खिलाफ ही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसमें एक रिलीजन के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मिस कर दिया गया है। उसी तरीके से कल कुछ और अमेंडमेंट लाएंगे, अब लैंड का जो लैंड एक्ट है उसमें वो आदिवासियों को एक्सक्लूड करने की बात करेंगे, अगर उनको एक्सक्लूड करेंगे तो एक बड़ी लैंड जो है गवर्नमेंट उनसे छीन लेगी, फिर नेता लोग भी इसके वो करेंगे। एससी एसटी का है, उनके साथ कुछ और अमेंडमेंट लाएंगे, एससी एसटी रिजर्वेशन की उसको भी खत्म करने की बार बार ये हमेशा बात करते हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ करेंगे। माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को तो हमेशा से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ कह के टारगेट करेंगे, उनको एक अमेंडमेंट में क्रिश्चियंस का नाम निकाल देंगे, किसी अमेंडमेंट में सिख कम्युनिटी का नाम निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसको बेस बनाएंगे और बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पूरा डिस्टर्ब करने की ये कोशिश करते हैं, क्योंकि बिलखसूस ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, ये तो अपनी मनुस्मृति को मानते हैं, किसी और चीज को मानते हैं। तो हमको चाहिए जो सोशल फैब्रिक यहाँ का है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज पर जो सबको इक्वल राइट्स देती है, जस्टिस का बात करती है, फ्रेटर्निटी लिबर्टी की बात करती है, उन बेसिस पर हम यहाँ पर जिस तरीके से एक अच्छे तरीके से यहाँ पर मुल्क 70 साल में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, जितना भी हुआ है अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है, इसको मजीद बेहतर डेवलप करने की हमको बात करना है, उसमें कंट्रीब्यूट करने की हम बात करना है, ना ही बल्कि इस तरीके के अमेंडमेंट ला कर डिवाइड कर इस तरीके से ये करना, ये बहुत हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक के लिए नुकसान है और यहाँ के पूरे हिंदुस्तानियों के लिए नुकसान है। चलिए एक चीज और पूछनी थी कि 15 दिसंबर को जब यहाँ पे जामिया वगैरह में प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुली प्रोटेस्ट, तो मतलब ऐसी क्या चीज हुई थी जो पुलिस वगैरह ने लाठीचार्ज कर दी थी और हालात अचानक से 1-1.5 घंटे के अंदर खराब हो गए? असल में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 13 तारीख को, ठीक है, 13 के दिन प्रोटेस्ट हुआ है, ये जो पार्लियामेंट मार्च का कॉल जब जामिया के मुख्तलिफ स्टूडेंट ग्रुप्स ने टारगेट वो दिया था, तो यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन इनको आगे जाने नहीं दी, होली फैमिली के पास ही इनको रोक दिया था, वहीं होली फैमिली से पहले ही इनको यहाँ पर रोक दिया गया था। यहीं पर कुछ लोगों ने जो है कुछ मतलब पुलिस की तरफ से पहले पत्थरबाजी हुई, फिर बाद में टीयर गैस उन्होंने छोड़ा है, फिर लाठीचार्ज किया है, उसके बाद वहां का प्रोटेस्ट डिस्पर्स हुआ, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था, लेकिन पूरे तलबा ने वहां पर बैठकर ये डिस्कस किया और उन लोगों ने वहां पर गेट नंबर 7 के पास वहां प्रोटेस्ट शुरू किया, जब तक हमारे तलबा को नहीं छोड़ेंगे हम वहां से उठने वाले नहीं, तो वो कंटिन्यू हुआ। रात में कुछ देर के बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया वहां से, पुलिस स्टेशन से डिटेन जिसको किया गया था, वो प्रोटेस्ट 14 के दिन कंटिन्यू रहा, 15 के दिन कंटिन्यू रहा। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो यहाँ के जो अतराफ के लोग हैं पूरे लोग इस पर बात करना शुरू किए, तो यहाँ पर भी लोगों ने अच्छा खासा रैली निकालना शुरू किए, जामिया के लोग, ओखला के लोग, फिर जेएनयू में भी बात हुई, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इस पर प्रोटेस्ट हुआ, एएमयू में हुआ, मानू में हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, पांडिचेरी में हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। लेकिन 15 को अचानक से पुलिस आती है, यूनिवर्सिटी में घुस जाती है, लाइब्रेरी के अंदर जाकर मांगती है, वो तो वीडियोस वगैरह आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो ये पूरा डिस्टर्ब करने की, ये आवाज को पूरा सप्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ जामिया में, तो ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ और बहुत सारे लोग जितना दबाने की कोशिश उतना ज्यादा वो हो गया। सेम उसकी मिसाल अगर आप देखेंगे कल जो चेन्नई में जिस तरीके से वहां पर एक शाहीनबाग हुआ था, उससे वहां के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोई ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, हमारे मोहल्ले में हमारी जो स्ट्रीट है उसी में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल तरीके से, उस पर अटैक किया तो रात रात जो है 100 से ज्यादा मुकामात पर पूरे तमिलनाडु में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। एक शाहीनबाग को वो दबाने की कोशिश किए हैं तो 100 से ज्यादा शाहीनबाग वहां पर बन गए। तो ये जामिया का इस तरीके से इन लोगों ने सप्रेस करने की कोशिश की, उसके बाद एएमयू को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कई 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अगले ही दिन सब जगह प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके कुछ दिन बाद शाहीनबाग शुरू हुआ, तो इसका एक आइकॉन बन गया है शाहीनबाग, फिर अभी पूरे हिंदुस्तान में 150 के करीब में शाहीनबाग जैसे मॉडल चल रहे हैं, लोग इसके खिलाफ में बात कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि ये
हमारा जो असल मकसद है ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो लोगों को यहां पर दबाने की कोशिश की जा रही है, हम चाहते हैं कि ये जब तक हुकूमत इसको रोल बैक नहीं करेगी, हम ये जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से हम इस मूवमेंट को इंशाल्लाह और आगे लेके जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहेगा 22 फरवरी को? सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसे ही जो पिछली बार जो था उस वक्त हुकूमत को उन्होंने सवाल नहीं किया है, लेकिन उनको और वक्त दिया है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अच्छे से डिस्कस करके गवर्नमेंट कुछ अपने रिस्पॉन्स के साथ सामने आ गया है, लेकिन क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर जानेगा, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं। उम्मीद तो है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जो जस्टिस की बुनियाद पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी बेसिस पर पब्लिक, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट पब्लिक कॉन्शियंस को नजर में रखकर भी जो है डिसीजंस ले सकता है। उस हिसाब से हमको देखना चाहिए कि अभी आने वाले जजमेंट में, आने वाले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को क्या कहता है या फिर आवाम को क्या कहता है, ये हमको देखने की जरूरत है। और एक चीज और, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं एसआईओ के, अगर आपको कभी मौका मिले बीजेपी के किसी बड़ी पॉलिटिशियन से मिलने का, बड़े पॉलिटिशियन से मिलने का, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे पास क्लियर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरीके का इनविटेशन आता है तो हमारी एक तयशुदा हमारा एक डिसीजन है कि हम इंडिविजुअली किसी से मिलने नहीं जाएंगे। एसआईओ कभी भी इंडिविजुअली मिलने किसी के पास नहीं जाएंगे, हम कलेक्टिवली पूरे लोग मिलकर जाएंगे ताकि जो कम्युनिटी के भलाई के लिए जो कुछ भी हो सकता है। हम बीजेपी के लीडर के पास नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब बीजेपी की एक टीम से आप मिले तो आप उन्हें क्या चीज मतलब क्या कहना चाहेंगे उनसे कि क्या करें आप, क्या ना करें, जो कुछ सही हो जो कुछ सही ना हो? देखिए, उसके लिए तो सब क्लियर है। अभी लोग जिस तरीके से होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर से वो मिलना चाहते हैं, मिलने की क्या जरूरत है? मिलने की जरूरत तो है ही नहीं। शाहीन बाग के प्रोटेस्टर तो क्या एमसीए एनआरसी एनपीआर उसके खिलाफ में है, वो आप रिवोक कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ के इस तरीके के जितने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं या पीपल के पब्लिक के हित में नहीं है, वो चीजों के खिलाफ, वो चीजों के लिए हम उनको सजेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज अभी तक बात नहीं की है। जब 2014 में हुकूमत इनकी बनी थी बीजेपी की, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात की है, ठीक है, और ये ओपन फोरम में रखा है कि कोई भी इस पर सजेशन दे सकते हैं। तो हमने पूरे हिंदुस्तान भर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किए, एजुकेशनल लोगों से बात किए हैं, स्टूडेंट लीडर से बात किए हैं, सबसे सजेशंस लेकर एक ड्राफ्ट बनाकर हुकूमत को हमने सबमिट किया है। ठीक, उनका जो प्रपोज डॉक्यूमेंट था उसमें हमारे 4 सजेशंस उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। ये हम कलेक्टिव काम किए, इंडिविजुअल हमारा काम नहीं था, लेकिन एसआईओ ने इस बेड़े को उठाया और उनको सजेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस उन्होंने साइड में रख दिया। फिर 2019 में कहा कि नए फ्रेमवर्क के साथ हमने जो है इसको फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाएंगे, उस पर भी हमने काम किया है, उसके सजेशंस भी हमने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत को इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है कि हम हिंदुस्तान को बेहतर बना सके। हो सकता है कि ये बीजेपी के या आरएसएस के जो पॉलिसीज है उन पॉलिसीज से हमारा इख्तलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया की हुकूमत से हमको इख्तलाफ है। इन्होंने नीट पर जब डिसीजन आया था, नीट में उर्दू को इंक्लूड नहीं किया, हमने डायरेक्टली एमएचआरडी के खिलाफ में, यूनियन मिनिस्ट्री के खिलाफ में हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल किया और हमने वो केस जीता। आज कई सारे स्टूडेंट्स, सौओं की तादाद में स्टूडेंट्स जो उर्दू बैकग्राउंड के नीट में है, नीट अप्लाई करते हैं और नीट का एग्जाम लिखते हैं। तो जो गलत वो काम करेंगे, जो जस्टिस के खिलाफ इनजस्टिस होगा, तो हम उसके खिलाफ आवाज बिल्कुल उठाएंगे, उनको बाहर लटकाएंगे। कई सारे एजुकेशनल इश्यूज पर अभी रिसेंटली जो स्कॉलरशिप कट करने की बात की, सीट पे पैसा बढ़ाने की बात की, जेएनयू में जो इश्यू हुआ है वहां पर हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है, उस पर भी हमने सजेशन लिखकर भेजा, उस पर भी हमने लेटर लिखा है। इस तरीके के जितने भी इश्यूज है उस पर वक्तन फवक्तन हम एमएचआरडी को भी लेटर लिखते हैं, अगर हुकूमत नहीं मानती है तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर भी अब तक कई सारे लेटर्स लिख चुके हैं। तो इस तरीके से इनजस्टिस के खिलाफ में जो होगा, इनइक्वालिटी के खिलाफ में होगा हिंदुस्तान, उसके खिलाफ बिल्कुल हम बोलेंगे, पहले भी बोलते हुए हैं, आज भी बोलेंगे,
पूरे स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स के जो भी मसाइल होंगे उन मसाइल पर जरूर हम बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी अभी रिजल्ट आया है और केजरीवाल जी जीते हैं 63 सीटों से, और जो न्यू दिल्ली का एरिया है उसमें बहुत मतलब तकरीबन सारे वोट मुस्लिम्स के केजरीवाल जी को गए, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी सीए एनपीआर एनआरसी के ऊपर कुछ बोलेंगे, कुछ चीज सामने लाएंगे? इलेक्शन से पहले बाग आएंगे वो? अब वो तो क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो शाहीन बाग आएंगे। नहीं, हमको हम तो केजरीवाल साहब के ना तो पार्टी से कोई कनेक्शन है ना तो कुछ उनसे, ये सवाल तो आप उनको पूछना चाहिए कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अब तक की जो रीडिंग है उस हिसाब से इलेक्शन से पहले भी उन्होंने सीए के खिलाफ में बात की है, इलेक्शन के बाद भी इसके खिलाफ में ही बात की है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से और भी स्टेट्स के लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है सीए एनआरसी के खिलाफ में, हम इनसे भी डिमांड करते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम उनको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी रेजोल्यूशन, दिल्ली में भी वो रेजोल्यूशन पास करें और सीए एनआरसी के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास करें, और एनपीआर का जो प्रोसीजर जो प्राइवेसी के खिलाफ में है, इंडिविजुअल की प्राइवेसी की, उसको स्टॉल करें, और जो सेंसस का जो तरीका है उस तरीके को इम्प्लीमेंट करें। वो सेंसस जरूरी है, उस पर तो वो करना चाहिए, लेकिन सीए एनआरसी एनपीआर का जो अभी फॉर्मेट है उससे हम पूरी उससे आप भी कहना चाहेंगे कि आप सरकार से कि कोई रेजोल्यूशन लाए जो इस चीज को खत्म करे। बिल्कुल, कई सारे स्टेट्स अभी तक रेजोल्यूशन लाए, पंजाब लाया है, केरल लाया है, बंगाल लाया है, राजस्थान लाया है, मध्य प्रदेश लाया है, पांडिचेरी चूंकि यूनियन टेरिटरी, इसकी एक अच्छी मिसाल पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी लाया है रेजोल्यूशन, तो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली भी लेकर आए इस तरीके का रेजोल्यूशन। तो ये जरूरी है कि जितना इस तरीके से अगर ये पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, क्या कहना है, दिल्ली को लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, यहाँ दिल्ली ही सबसे बेस्ट स्कोर बना हुआ है फिलहाल इस चीज का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है शाहीन बाग ही मशहूर हो रहा है। दिल्ली चूंकि हिंदुस्तान का कैपिटल है, बिल्कुल वो सेंटर रहेगा, कुछ भी इशू होगा तो लोग यहाँ पर बात करेंगे, उस हिसाब से भी यहाँ पर ये रेजोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। हम उनसे यही डिमांड करेंगे, हम यही रिक्वेस्ट भी करेंगे, डिमांड भी करेंगे कि चूंकि पब्लिक का जो मैंडेट था आपको जिताने में, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कहूंगा, जितने भी पीस लविंग लोग हैं, जितने भी जो हेट्रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं, उन सबका यही कंसर्न होगा कि यहाँ पर सीए एनआरसी हट जाए, इसको रिवोक करे, दिल्ली पहले जैसा दिल्ली बने, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पहले जैसा हिंदुस्तान बने। हमको ये डिजिटल वाला हिंदुस्तान जिसमें डाटा बार बार मिस हो जाता है, ये न्यू इंडिया की जो जिस तरीके से बात करते हैं जहां पर हमेशा हेट की बात होती है, इस तरीके का ना तो हमको हिंदुस्तान चाहिए, इस तरीके की दिल्ली भी नहीं चाहिए। हमको वही पुराना जहां पर पूरे कम्युनिटीज के लोग, पूरे रिलीजन के लोग मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर जो रहते हैं, वैसी ही सोसाइटी हमको चाहिए, वैसा ही मुल्क हमको चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.